इधर रबी सीजन की बुआई के पिक सीजन में एक तरफ जहां किसानों द्वारा डीएपी खाद की मांग में तेजी आई है, तो वहीं समितियों से डीएपी खाद नदारद है। किसान समितियों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन केवल निराश होकर वापस जा रहे हैं। वहीं किसान नैनो डीएपी उपयोग नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर विभाग हर सीजन की तरह इस बार भी कागजी घोड़े दौड़ाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 7 वर्षों में इस बार सर्वाधिक रिजर्व स्टॉक होने के बावजूद खाद की किल्लत बनी हुई है। जनपद में डीएपी खाद की उपलब्धता और विभाग के दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए टीम रफ्तार मीटर दर्जनों सहकारी साधन समितियों का जायजा लिया, विभाग के दावे को खोखला पाया। ज्यादातर समितियों पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, समितियों पर खाद की किल्लत बनी हुई है। वही जानकारों का कहना है कि यदि समितियों के पास मशीनों की जांच कराई जाए तो डीएपी वितरण का सच सामने आ जाएगा। वहीं एआर कोऑपरेटिव आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि समितियों पर डीएपी खाद लगातार भेजी जा रही है। मांग अधिक होने के कारण समितियों पर खाद जल्द खत्म हो जा रही है और जिले में डीएपी की कोई किल्लत नहीं है, डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम से कम करें और कोशिश करें कि जो हमारे घर में पशु है उसी पे हम उस पर वो कुछ उस पर संशोधन करके जैविक खाद की ओर हम उस पर आएँ। और सर रासायनिक खाद जिस तरह उसकी पैदावार ज़्यादा होता है तो उसके साथ साथ उसके साथ बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, और रासायनिक खाद को कम से कम करना चाहिए और किसानों को अपने स्तर पर जैविक खाद की कोशिश करना चाहिए। और सरकार से भी यही अनुरोध करेंगे कि किसानों को जैविक खाद बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दें और उनकी सहायता करें, जिससे किसान जैविक खाद की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपनी पैदावार के साथ साथ इस जैविक खेती करेंगे तो उससे जनता को जो भी अनाज मिलेगा वो कितना मतलब जैविक से रहेगा और